समय 8:26 14 मई 2019। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सोनप्रयाग केदारनाथ से, ये पड़ेगा 23 या 26 किलोमीटर समथिंग, नीचे जाके देखना पड़ेगा। ये सोनप्रयाग का पार्किंग है, पार्किंग ऑलमोस्ट फुल हो गया और पार्किंग नदी के पास है, मतलब नदी में अगर ज़्यादा पानी आता है, कुछ बाढ़ वगैरह आता है तो सारी गाड़ी एक साथ में बह जाएगी। पार्किंग फुल है तो हम लोग ऊपर आ गए, वैसे यहाँ पे साइड पे गाड़ी लगी हुई है, वैसे हम लोग ने भी कहीं कोना ढूंढ के लगा दिया गाड़ी, और यात्रा के लिए जो भी हमको ले जाना उसका अलग से बैग पैक करके रखा हुआ, बाकी सारा सामान यहाँ छोड़ेंगे गाड़ी में, गाड़ी यहाँ रखेंगे और फिर वो चलेंगे यात्रा के लिए। यहाँ से केदारनाथ दिखा रहा 23 किलोमीटर, गौरीकुंड 5 किलोमीटर है, और ये रहा राइट साइड में सोनप्रयाग पार्किंग। पैकिंग किया हुआ है, थोड़ा सामान लिया जो भी एक्स्ट्रा, रेनकोट, ठंडी के कपड़े, वजन ज़्यादा है बट अगर माहौल ख़राब होता है तो काम आएगा। पार्किंग इतना ही यहाँ पे और सारा भरा हुआ है, तो वहाँ से अनाउंसमेंट हो रही है कि गाड़ी की पार्किंग खुल है, तो सब रिटर्न जा रहे हैं वहाँ से। हल्का हल्का बारिश शुरू हो गया। अरे यार ये 10 मिनट बाद का नज़ारा, बारिश आया तो हल्का हल्का सब गिला हुआ है, तो जितने भी लोग हैं सारे रेनकोट पहन लिए, हमने भी अपना जो रेनकोट आया था पहना हुआ है, अभी सब टकाटक हो गया, बैग वैग सब पैक हो गया, तो हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से आगे टैक्सी मिलेगा गौरी कुंड जो भी है आगे छोड़ेगा, 20 रुपया 30 रुपये जो भी लेगा, उसके बाद वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी। यह सेक्टर ऑफिस सोनप्रयाग बायोमेट्रिक पंजीकरण केंद्र, अगर आपका पंजीकरण यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ से कर सकते हैं। फ्री वाईफाई जोन, कनेक्ट नहीं चल रहा था, थोड़ा बहुत काम यहाँ से हो जाएगा। और यह है पूरा यहाँ का रेट चार्ट, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ सकते हो। और ये मेरे पीछे जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन है टैक्सी के लिए, सामने जो बोर्ड दिख रहा है इस यहाँ से, ये लाइन थोड़ा सा आगे राउंड लगा, वहाँ से थोड़ा सा अगर राउंड मारेगा वहाँ पे ना जो टैक्सी वगैरह आ रही है वहाँ से आपको पिकअप मिलेगा। सारी लाइन इस तरह से लाइन है, कोई लाइन में तकरीबन 1-1.5 घंटे के ऊपर हो गया है, बस चलने थोड़ा थोड़ा कर बहुत कमी है, तो गर्म कपड़े वगैरह आप नहीं लाए तो यहाँ से आपको छोटा सा मार्केट है पीछे, वहाँ से मिल जाएगा, बाकी ऐसे ही सब खड़े रहेंगे ऊँचा कुछ सामान मिलता रहेगा। ये सामने जो देख रहा है ब्रिज एंड होता है वहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, वहाँ तक लाइन है, हम अभी मेरे को तो 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और ये राइट साइड में भंडारे दिख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर भंडारे में भी आपको इडली मिल रही है और उत्तपम मिल रहा है, बच्चों को मत लेके आओ यहाँ पे, बहुत लोग हैं जो छोटे बच्चे को लेके आए, अब ऐसे गलती मत करो। गाड़ी आपको 6 किलोमीटर तक यहाँ छोड़ेगी, गाड़ी का रेट होगा 20 रुपीज़ पर पर्सन। ये सामने दिख रहा है केदारनाथ ट्रेक 16 किलोमीटर, जो मेन गेट है यहाँ से एंट्री होगा ट्रेक करने का। गेट के पास कोई सिर्फ आपकी ट्रॉली मिलेगी जो लोग उठा के लेके जाएंगे आपको साथ में। हाँ क्या पूछना है, कितना रेट है भाई, किराया कितना है? 100 रुपया यहाँ से पार्क स्टेट का। ये 100 में जाएगा 200 में जाएगा? 100 में जाएगा तक नहीं जाते ये। अब बड़े छोटे वाले वजन लाइट है तो 100 रुपया, हेवी वजन है तो 200 रुपया सिर्फ यहाँ पे गौरी कुंड तक। और बेस कैंप तक इस तरह से आपको बिठाएंगे डोली में पीछे और फिर ऐसे ले जाएंगे। फिर आपको घोड़ी डोली या कुछ भी करना है यहाँ से आपको बुकिंग मिल जाएगी, गवर्नमेंट का जो फिक्स रेट है वही रेट है, कम ज़्यादा होता नहीं है, बार्गेनिंग होता नहीं है। ये
सामने वाला गेट, यहाँ से एंट्री मारेंगे। अभी आपको जरूरी सामान, जूते कपड़े सब मिल जाएगा, अगर आपने वहाँ से नीचे से नहीं लिया यहाँ से ले सकते हैं। खाने का भी है स्टॉल वगैरह, दुकानें अलग अलग, और सैलून भी है। दाढ़ी करके जाना है आपको, चकाचक बन के मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना। फिलहाल ये मूड है अभी, एक किलोमीटर जाम में ऊपर आया और बहुत गर्म हो रहा है, हवा एकदम देख कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, और हल्की 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 बारिश आ रही है। हमने क्या किया, हम लोग का स्वेटर था वो निकाल दिया, अभी हम लोग सिर्फ रेनकोट रखेंगे बिकॉज बारिश आ रहा है, वो भिगना नहीं है। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर जब हम चढ़े ऊपर, यहाँ पे ऐसे स्वेटर लगे रहते, अगर बारिश आ रही है ज़्यादा मौसम खराब है, वापस के लिए रुक सकते हैं, नहीं आप रुके भी थोड़ी देर। दो कोंडी मारा, थोड़ी देर आराम करेंगे, सब थके हुए लग रहे हैं ना, हल्की हल्की बारिश हो रही है उसकी वजह से पसीना भी हो रहा है, अगर ये पहन के रखा हो पसीना हो रहा है, अगर निकाल दो तो भीग रहे हम लोग। वैसे भी पसीना या पानी दोनों में सेक तो हो ही रहा है, पानी बॉडी को मिल रहा है। पूरा रास्ता देखो कीचड़ है इस तरह का, रास्ता अच्छा बना हुआ बट कीचड़ बहुत है, और घोड़े ये लंबे लंबे घोड़े, बड़े बड़े घोड़े, ये काले काले घोड़े। हेलीपैड जाता है बाबा केदारनाथ के जो बेस कैंप है वहाँ तक, फिर वहाँ से आपको वापस ट्रैकिंग करनी है 2 किलोमीटर की। जय बोले। तो फाइनली 13.5 किलोमीटर बाकी है यहाँ से पहुँचने के बाद, ये हेलीपैड जैसे अभी पता है भाई ने, ये हेलीपैड लगता है, यहाँ लाइट वगैरह है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह मिलेगा यहाँ से, अगर रात में लेट आ रहे तो कम्फर्टेबल है। और यहाँ पहुँचने के बाद पहली बार कुछ बर्फ यहाँ पे सामने दिख रही है हल्की फुल्की, उधर भी दिख रही है, और हमको यहाँ से होते हुए जाना है ऊपर, जाना फिर ऊपर जाना है, फिर पता नहीं कहाँ जाना है यार, अपने को सिर्फ केदारनाथ जाना है, मंदिर जाना है, किलोमीटर जाना है, दर्शन करने बस, वही मैंने। अच्छा ये है कि बारिश नहीं है अभी, हवा अच्छी है, गर्म कम हो रहा है, कम्फर्टेबल है, हम लोग जा सकते हैं। श्रीवास भैरवनाथ का मंदिर, वैसे पहले मंदिर आता है बाबा भैरवनाथ का, जय बाबा। सो केदारनाथ यहाँ से रह गया 10.5 किलोमीटर, बेस कम है 9 किलोमीटर, यहाँ तक चल के आना बेस कम तक, और देखो नेचर लंबा बड़ा वाटरफॉल, वहाँ से ऊपर से यहाँ तक नीचे लगे, सुबह बारिश ऐसे कैसे ये परेशान कर रहा है, मेरा रेनकोट वगैरह नहीं ला रहे,
तो आप बीमार हो सकते हो। जय बाबा। नंबर है सिम आप कॉल कर सकते हैं। केदारनाथ दस दिखा रहा दीदी। हाथ सुन पड़ रहे, हाथ काम नहीं कर रहे और मैंने एक गड़बड़ कर दी है। हैंडलूस जो मेरे पास था, वाटर प्रूफ भी था, सादा भी था, मैं सारा घर पे भूल गया हूँ। तो सर फट रहा है, इतना हालत हो रहा है। बट अच्छा खासा चढ़ाई पार कर लिया हमने। अब धीरे धीरे जा रहे आगे, बोलने नहीं हो रहा बिकॉज ठंडी की वजह से। इस रूट पे भंडारे बहुत कम है, तो है ही नहीं यहाँ से भंडारे। स्टार्टिंग में जब गाड़ी मिलती है टैक्सी वहाँ पे है, ऐसी बात नहीं है। खाने की व्यवस्था है, वैसे दुकानें मिलेगी वहाँ से, कुछ खरीद सकते हो खरीदने वाले। अभी मैं एकदम मस्त जगह पे हूँ, पहले एकदम जवाब दे रहे हालत होगी मेरी। बट फिर भी मैं चल रहा हूँ, मैं और मेरा दोस्त संजय दोनों भी आ गए, बाकी जो दो लोग थे मेरे साथ वो पीछे रह गए, उनको टाइम लगने वाला है, तो बाद में आराम से आएंगे। अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, दो पुल लगे हुए हैं, एक फ़ोटो निकालने के लिए एक चलने के लिए, कौन सा पसंद करोगे? मस्त पानी एकदम। केदारनाथ है 8.5 किलोमीटर, बेस कैंप 6.5 किलोमीटर। खुशखबरी है कि हम लोग यहाँ से 8 किलोमीटर तक चल रही है, थोड़ा सा बाकी है, 6.5 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद बेस कैंप आएगा। बेस कैंप के बाद हमको वहाँ स्टे करना, स्टे करने के बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट डे। अगर नींद खुली तो रात को सोने मेरा तुम लोग टेंट हो जाएंगे वहाँ पर। संजू है, हम दोनों सबसे पहले पहुँचे यहाँ पे, बाकी दो बंदे अभी तक मिसिंग है, आएंगे। 3 घंटा बचा है हमारा, 4 घंटा पूरा हुआ। जय गोरी। बहुत लोग बर्फ़ देख के पागल हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ कुछ लोग खा भी रहे हैं। यहाँ पे है बर्फ़ की गुफा, इसके अंदर से पानी आता है, बहुत ठंडी आ रही है वहाँ से। माता जी रो रही घोड़े बैठ के। ये है नज़ारा केदारनाथ धाम का, काफ़ी अच्छा है, पा सकते हो। बस बारिश के टाइम बताओ, मस्त मस्त गुफा है। तो
यात्रा प्लास्टिक वगैरह दिसले ना ते घालून टाका, नाही तर बरसाती भेटते ना बरसाती घालून टाका. देखिए यहाँ पे शेल्टर अच्छा खासा बना हुआ है, नीचे होटल है और पराठा हो गया. पराठा यहाँ पे 50 रुपये का. चाय का टेस्ट एक नंबर है, 20 रुपये की है, लेकिन ये वर्थ है. तो आप अगर यात्रा करते हो तो आप यहाँ से चाय पीजिए, गर्मा गर्म है और टेस्टी भी है. और ये पराठा है 50 रुपये का पराठा है, अचार भी है, आलू का पराठा है. निकाला हुआ मैंने अभी, थोड़ा फ्री हुआ, ठंडी लग रही है बट ये शोल्डर पेन कर ठीक है. बैक के वैसे एवरेज पराठा भी एवरेज है और बहुत अच्छा है. आपको यहाँ पर करीबन 10-12 हज़ार फुट पर अगर समुद्र तट के ऊपर से अगर आपको ये खाना इतना मिल भी जाए तो ये आपका नसीब है. तो आप इसको पैसे के साथ मत कंपेयर करिए. जय बोले. समय हुआ आज बैठ के 9 मिनट, वेनसडे 15 मई 2019 और एक खूबसूरत सुबह. कल शाम को हम यहाँ पहुँचे थे होटल पे, बहुत ठंडी थी, बारिश बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग भीगे हुए थे. तो उन्होंने ये टेंट कर लिया, जो टेंट है ये पर पर्सन 400 रुपये लिया हमसे, आगे 300 भी मिलता है, कल ठीक है 400 में लिया. ऐसे अंदर बड़ा सा जगह है, अंधेरा इसके लिए दिख नहीं रहा है. स्लीपिंग बैग है, इसमें हम लोग सोए थे. उठने के लिए कुछ मिलता नहीं बट एक बैग रहता है इसके अंदर घुस के सोने का. बाहर का नज़ारा बहुत सही है, पर अब दिख रही है. स्वागत आप सभी का हमारे चैनल LC ट्रैवलर्स में. यात्रा का दूसरा दिन कंटिन्यू, हम जुड़े रहे आप हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आगे भी देखते रहे. कल हम लोग जा नहीं पाए बारिश की वजह से, बड़ा जाएंगे यहाँ से अभी कुछ 6 किलोमीटर इतना दूर है. तो हम रेडी हो गए, कुछ चाय पियेंगे, कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे. बहुत ठंडी है, मैंने अभी ब्रश किया, मुँह धोया, इतना हिस्सा मेरा भी बहुत जल रहा है. केदारनाथ फाइनल यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है, बेस्ट कैम है 4.5 किलोमीटर और सानी कैम 2, बड़ी चिंचोली 1. हम रुके थे वो थे छोटी चिंचोली, इस तरफ से आए थे और जाना इस तरफ है. और आगे का नज़ारा एकदम मस्त है, जैसे आगे जा रहे हैं बर्फ़ ज़्यादा दिखने लगी है. हाँ, अगर आप ऐसे कोई ट्रैक कर रहे हो तो आप इधर स्टेप एकदम छोटे छोटे करो, ज़्यादा लंबे करोगे जल्दी थक जाओगे. एकदम थक जाओगे तो आराम से चलते रहो, सांस फूलेगी, अंदर से आवाज़ भी आएगी नहीं चलना है, तो भी आप हिम्मत बना के चले रहो, धीरे धीरे चलोगे आपकी यात्रा ख़त्म हो जाएगी. मन मना के चलना है बस. देखो अपने से भी बड़े उम्र के लोग हैं तो चल रहे यहाँ पे. 7 किलोमीटर आए सार आए. धूप निकली है वैसे, नज़ारा अच्छा है. और ठंडी के कपड़े सब निकालने पड़ेगा सबसे, पूरा टाइम यही कर रहे थे. और बारिश के कपड़े पहनो कभी, ठंडी के कभी निकालो. ऐसे कहते हैं नज़ारा. अरे लाइक तो बनता है वीडियो को, इतना कुछ एडवेंचर जगह है, बहुत हार्ड ट्रैकिंग है. तो पसंद है ट्रैकिंग करना तो आ जाओ मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर आपको लग रहा है कि आप रियल ट्रेकर है, एडवेंचर में आपको मज़ा आता है, जुड़े रहे हमारे साथ। बर्फ़ ही बर्फ़ है तो चलना पड़ता है, दिक्कत होती है, बट इसके बाद जो ये नज़ारा देखने मिलता है ऑसम। और मेरे जूते के लिए शर्ट के ऊपर स्वेटर डाला था और फिर उसके ऊपर और एक उसके ऊपर रेनकोट डाला हुआ था। मौसम चेंज हुआ, ठंडी है थोड़ी बहुत बट गर्म ज़्यादा हो रहा है धूप की वजह से। बर्फ़ तो अच्छी खासी है, मैंने सारे कपड़े फिर निकाले, पूरे ऐसे ही टाइम पास होता है, कभी निकालो पहनो। दो लोग हमारे मिले नहीं, उसने बोला टेंट वाले ने आगे निकल गए, तो हम लोग अभी इसके पीछे पीछे जाएंगे। मैं अभी आगे चला और मेरे साथ में जो था वो शायद अभी उधर टर्निंग पे कहीं पे पहुंचा हुआ है, बहुत दूर है। जहाँ तक सीधा रास्ता है मैं चलता हूँ, फिर आगे उधर ऊपर जाके कहीं पे रेस्ट करूँगा थोड़ा। मौसम अच्छा है, बारिश बंद हो गई है, अच्छी खबर है। यहाँ पर वैसे शाम के टाइम बारिश होती है, अगर आप जल्दी आओगे मॉर्निंग में ट्रिक करोगे 3-4 बजे तो कंफर्टेबल होगा आपके लिए। अगर आप मेरी तरह लेट उठे तो कोई मतलब नहीं है, 8-9 बजे निकलोगे फिर बारिश मिलेगी आपको और कहीं स्टे करना पड़ेगा रास्ते में। इससे अच्छा है आप बिंदास चलो, सुबह जल्दी उठ जाओ और बिना बारिश के मौसम में चलो। एक बार बारिश आ गया तो बहुत परेशान होना होगा। पानी की बोतल रखे, ग्लूकोज रखे तो मिला के पिया करे, सांस बहुत खुलने वाली है और पीने का पानी मिलेगा आपको हर जगह। ऐसे वाटरप्रूफ रहेंगे, ऐसे पानी भर सकते हैं, तो फिर छोटी सी पाइप लगी रहेगी कहीं भी, और पानी का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। सफाई अच्छी खासी है, ये देखो घोड़े हर जगह करके जाते हैं फिर भी इन लोगों ने सफाई की है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। थोड़ा चलूँगा उसके बाद आगे जाके फिर कहीं बैठ के थोड़ा हवा खाऊंगा। धूप लग रही है, गर्म हो रहा है, ठंडी हवा आ रही है, सर पकड़ रहा है, पानी एकदम ठंडा है। यह है ग्लेशियर, बर्फ़ जमने के बाद होता है ग्लेशियर, बहुत कड़क रहता है, अगर इसमें गिर गए 3-4 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी। ऐसे कहते हैं जल जीवन है, यहाँ पे जल है मौत, दूसरा नाम मौत है। अगर आप पानी से बचोगे तो अपने आप को बचाओगे, जल बचाओ जीवन बचाओ, जल से बचो जीवन को बचाओ। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है मौसम, बस टेंट लगे हुए हैं, अगर आप बात करोगे आपको स्टे करने का ऑप्शन मिलेगा। मना नहीं करेंगे, 300-400 रुपये एक दिन का लेंगे, बट सही है अगर आपको ठंडी लग रही है, तबीयत ख़राब हो रही है या फिर आप बच्चों को लाने की गलती कर रहे हैं तो आपको टेंट बहुत फ़ायदा होगा। आप रख लो टेंट, सो जाओ, ज़्यादा बारिश हो रही है तो भीगो मत। देखो दोनों बच्चे आ रहे, अभी इससे भी छोटे बच्चे देखे मैंने, एक साल पूरा नहीं है, वैसे भी बच्चे भी देखे मैंने, एक तरह की बेवकूफ़ी होती है इंसान के अंदर जो ऐसे बच्चों को लेके आते हैं, उनको पता भी था वो लोग बोल नहीं पाएंगे उसको ठंडी लग रही नहीं लग रही है। हमारी ठंडी धूप आ रही है, जा रहा हेलीकॉप्टर, बॉडी बिल्डर आ गया है, कौन आया था उन लोग का? हाँ, हम लोग टोकन नंबर लेके रखते हैं। कहाँ तक पहुँचे हो लोग? चलेगा, वो लोग वेट करेंगे अपना, उनका ऐसे बेस कैंप तक जाने का, फटाफट निकलने का, वेट कर रहे हैं। अरे वाह, और एक गुड न्यूज है, घोड़े वाले ने बोला ऊपर तक चढ़ाइए इतना, उसके बाद सीधा रास्ता है, हम लोग फटाफट पहुँच जाएंगे। पहले देखो जवाब दे रहे एकदम, कभी कभी कांप रहे बट ठीक है,
मजा आ रहा है जैसे अभी ढाई घंटे में पहुंच गए। हाँ ठीक है, मेरी हालत में भी ढाई घंटे में पहुंच जाने। नॉन स्टॉप आ सकते हम लोग। चलो बढ़िया है, मैं निकलता हूँ। आगे जब बर्फ का व्यू आएगा तो मैं दिखाऊंगा। ये बोले यहाँ से अभी बर्फ बढ़ रही है, सारा देख रहे हो इसे रास्ता काट काट के सड़क बनाई है। हाँ ठीक है, सुपर आ जाओ भाई, डोली घोड़े पैदल सब मौसम काफी अच्छा है, ट्रैकिंग करने के लिए बहुत सही है। बिकॉज अभी ठंडी है, गर्मी कम है, चल रहे तो बॉडी का हीट की वजह से ज़्यादा कपड़े की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ठंडी हवा अभी भी आ रही है। यहाँ सब जगह से बर्फ है, बहुत सारी बर्फ है, इसके बीच में से काट के रास्ता बना हुआ, बहुत कम्फर्टेबल है। पर हर जगह बर्फ ही बर्फ है। यहाँ से वो बोले 3 घंटा दूर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे जैसे बोर्ड लगा हुआ है कितना किलोमीटर है, आधा किलोमीटर पहले ही कभी आधा किलोमीटर बाद में दिखा रहा है। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पियो, ज़्यादा खाना मत खाओ, ग्लूकोज है आपके पास तो एक्स्ट्रा लेके चलो, जो पानी में डाल के पिला के आप यूज़ कर सकते हो। मेरा एक बोतल था पूरा 1 लीटर का, सारा ख़त्म हो गया। देखो सिर्फ पानी पी रहा हूँ, बर्फ़ का पानी ठंडा वाला, ताकि दिक्कत हो रही है। ये सामने जो लिखा हुआ है घोड़ा खच्चर प्रीपेड काउंटर, यहाँ से आपको घोड़े मिलेंगे रिटर्न जाने के लिए। जो लोग घोड़े से आए उनको ये जगह पे उतार दिया जाएगा, इससे आगे घोड़ा नहीं आ रहा। अगर आप कितना भी लास्ट तक भी घोड़ा किया जाएगा बेस कैंप का, उनका लास्ट तो भी यही है, इससे आगे घोड़ा नहीं जा रहा है। घोड़े से उतरने के बाद केदारनाथ यहाँ से 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, हेलीपैड है 1 किलोमीटर और मेडिकल कैंप हर जगह रहता है। कुछ भी आपको इमरजेंसी होती है हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर दवाइयाँ सब मिल जाता है आपको। बस थोड़ा सा दूर रह गया, अभी भी चल रहा हूँ, 2 जन आगे एक अभी तो पीछे घूम रहा है। जो धूप निकली है, बादल हट रहा है, फिर वापस बादल आ रहा है, फिर ठंडी लग रही है। रास्ते में आप थक रहे हो कहीं भी तो ऐसे टेंट कहीं भी दिख जाए तो बात के लिए आपको मिल जाएगा, मना नहीं करेंगे। 300-400 रुपये में आपको टेंट मिलेगा 1 जन के लिए। मैं फ्रेश हो गया, फिर से चल रहा हूँ। बेस कैंप यहाँ से 0.5 किलोमीटर दूर है, उतना ही चलना है। वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, आज भी पर्ची वगैरह लेते हैं दर्शन के लिए, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं पहुँचा हूँ बेस कैंप, 3515 मीटर समुद्र तल से ऊपर है। खुशी का मौका, मंदिर यहाँ से दिख रहा है एकदम सामने, जो माइक दिख रहा है उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मंदिर दिख रहा है, शायद आपको दिखता नहीं रहेगा। हर तरफ बर्फ है और उसे डबल हो गया था जब अपना होम नेटवर्क जियो यहाँ पे चल रहा है बराबर है, नेट का पता नहीं, नेट चला तो ठीक है। ओह क्या था ये, अजय भाई मंदिर देख लिया फाइनली, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो दिल
मंदिर क्या, मंदिर दूर नहीं है। और ये सफाई कर्मचारी है, बहुत अच्छा साफ किया, साफ सुथरा रखा एकदम, अच्छा मेहनत करे यहाँ पे। सब एकदम फ्रेंडली लोग हैं, सब प्यार से बात करते, कोई झगड़ा नहीं करता किससे, ना सिटिंग करते। फिर आप घोड़ा कर रहे हो या फिर पिट्टू कर रहे हो, पिट्टू ये होता है, और जो लगेज होता है आप उनको दे रहे हो, मंदिर तक पहुँचाएंगे या फिर जहाँ तक आप बोले वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो उनका एक आईडी कार्ड होता है, वो आप रख लो ताकि आपको पता चले किसको दिया था। घोड़े से उतरने के बाद ये वाला आपको मिलेगा ऑप्शन मंदिर तक, आपको पैदल नहीं चल सकते, सब कंफर्टेबल हो यहाँ से। यहाँ से गौरीकुंड 15.5 किलोमीटर होगा रिटर्न में। अब मैं आ गया हूँ मंदिर, मंदिर सामने दिख रहा है। ऐसा मौसम था, ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ। हमारे दो लोग आगे जो गए थे, भाई और साथ में अंकल थे, अभी तक मिले नहीं है, और संजू पीछे रह गया, वो अभी स्लो चल रहा है, उसका वज़न ज़्यादा है। आप ज़्यादा हेल्दी हो तो ज़्यादा से पहले 10-15 दिन थोड़ा वॉक करो, जॉगिंग करो, जो भी आपसे हो सके, आपको दिक्कत ना होगी। और ये रहा हेलीपैड, हेलीपैड से आ रहे हो, कोई यहाँ छोड़ेगा, यहाँ से मंदिर एकदम नज़दीक है। लिखा हुआ श्री केदारनाथ मंदिर 500 मीटर दूर, बस आधा किलोमीटर होता ऐसे निकल जाएगा। यात्रा चल के आया हूँ मैं, ये भी घोड़े पाल के कुछ नहीं हुआ। मंदिर से थोड़ा दूर यहाँ पे ना कॉटेज है, सेक्शन यहाँ पे इसका आवास नहीं है, सुविधा उपलब्ध है। ये होगा हर बेड का 600 रुपये, टेंट का 300 रुपया, पता नहीं क्या सामने यार कट करके रखा हुआ। ऐसा कुछ जगह है तो स्टे करने मिलेगा, सिर्फ टेंट है पूरा, आपको टेंट पे भी रुकने मिलेगा। इस तरह का टेंट है, आपको ठंडी गर्मी कुछ होगा नहीं, अंदर बर्फ नहीं आएगी। और ये स्लीपिंग बैग लगा हुआ है अंदर, इसके अंदर घुस के आपको सोना है, इसे गद्दे लगे हुए उसके ऊपर स्लीपिंग बैग है, और नीचे थर्माकोल लगा हुआ है। जब भी ऐसे कोई यात्रा करते हैं ठंडी जगह पे, तो ऐसा एक बॉक्स ले लो, जो हेडफोन का बॉक्स मैंने यूज़ किया हुआ है, थोड़ा मजबूत रहेगा और ठंडी नहीं लगी। और इसके अंदर ये बैटरी ऐसे प्लास्टिक के अंदर डाली हुई है, मैंने मेरी कोको की बैटरी है, मैंने इसको अंदर रखी हुई है, वो बैटरी एक्स्ट्रा मैंने ली हुई है। ये सामने रास्ता दिख रहा है, शायद पुराना वाला है, अभी टूट चुका है, वहाँ से आने का रास्ता नहीं है। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर से रास्ता जाता है वो बाजार का है, और ये नीचे रास्ता आएगा, ये है मंदिर के लिए, श्री गंगा मंदाकिनी सरस्वती माता मंदिर। ये वाला है सरस्वती माता का मंदिर है, जो ऊपर दिख रहा है लिखा हुआ है। बाढ़ के टाइम अच्छा सब नुकसान हुआ था यहाँ पे, था नहीं फिर से सब बनाया हुआ है, भी कुंड जैसा बनाया हुआ है, पानी जितना भी लेवल पड़ेगा स्टेप से नीचे आ गए यहाँ पे नहा सकते हो अगर हिम्मत है तो। मंदिर के पास आने के बाद ठंडी लगना शुरू हुई है, इसलिए हमने स्वेटर डाल दिया, बर्फ़ है आसपास इसलिए ज़्यादा ठंडी हो रही है। आ गया बोर्ड श्री केदारनाथ धाम आगमन पर, नगर पंचायत केदारनाथ सभी सीताओं का स्वागत करते हैं अभी मंदिर के साथ। फ्री वाईफाई जोन, वाह यहाँ पे फ्री वाईफाई जोन है। कुंड के बाद थोड़ा सा स्टेप आएगा, उसको चढ़ना है, डस्टबिन लगी हुई है, कहीं भी कचरा मत करें, प्लास्टिक की हवा मत फेंके। यहाँ से है टोकन लेने पहले ही, दो दिए एक भी साथ में आ जाओ, ऐसे का टोकन मिलेगा यहाँ से 168 टोकन, आज के लिए वैलिड होगा। अगर फिर से आपको अंदर आना दर्शन करने के, तो फिर से टोकन लेना पड़ेगा। ज़्यादा बारिश के कारण जब बाढ़ आई थी यहाँ पे, तभी अच्छा खासा नुकसान हुआ था, ये सारे मकान हैं जो बह गए थे, साइड का हिस्सा भी टूट
टूटा हुआ है, बाकी ये लोग ने थोड़ा बहुत रिपेयर किया हुआ है। मंदिर के लिए ये रास्ते से पीछे से घूम के आना पड़ेगा, फिर वहाँ से फिर ऊपर रहेगा। ये मंदिर का पीछे से रास्ता है, अगर आप बेस कैंप से आओगे तो आपको घूम के शायद 2 किलोमीटर लगेगा बेस कैंप से मंदिर तक का रास्ता। थोड़ी चढ़ाई आती बीच में, बाकी सीधा रास्ता है। ये सामने दिख रहा है मंदिर। मंदिर के बाद इस तरह कुछ पूजा सामग्री आपको मिलेगी, यहाँ से परचेस कर सकते हैं। नंबर पर 100 मानस और जूते उतारते हैं। जूते खड़ा हो मंदिर के पास, बाबा केदारनाथ मंदिर सामने दिख रहा है। ये मेन मंदिर, यहाँ पे आने के बाद आपको जूता चप्पल के लिए स्टैंड मिलेगा, नहीं तो आप साथ में को तो सामान दे सकते हो। छोटी सी लाइन है, टोकन दिया उसके साथ में नंबर है, बट लाइन भी पता नहीं यहाँ सीन है। और मंदिर के सामने इस तरह का कुछ दिया हुआ बैठने के लिए, आप थके हुए तो आराम कर सकते हो। अच्छी खासी बर्फ थी, सबको हटा के रास्ता बना हुआ, जगह बना हुआ बैठने के लिए। सामने है मंदिर, मंदिर का लाइन वहीं से स्टार्ट होगा, जो मेन एंट्री वहाँ से स्टार्ट होगा। टोकन नंबर दिया हुआ उसके हिसाब से आएगा टोकन नंबर। आपको मंदिर के पास एक इंडिकेटर लगा हुआ, नहीं तो यहाँ पे एक सामने एक इंडिकेटर लगा हुआ जिसमें लिखा है 156। सारे नंबर मिल गए, एक सामने दिख रहा है, बाकी दो आगे बैठे हुए हैं। वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर मंदिर के सामने, फोटो वोटो निकालेंगे, उसके बाद जब नंबर आएगा तब दर्शन करेंगे। राजा इधर, यहाँ पे अच्छा है, जियो का नेटवर्क है और BSNL का नेटवर्क है, बाकी कंपनी का पता नहीं, वोडाफोन का भी है। और फ्री वाईफाई जोन लिखा मंदिर के पास, मतलब आपको अगर वाईफाई से कॉल करना है उसका नेटवर्क नहीं चल रहा तो काम आएगा। संजू ये मिल गया मेरा 4 नंबर, एक और 2 नंबर आ गए, मैं 3 नंबर पे हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं और टोकन के हिसाब से इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। छोटे के बच्चे भी आए हैं यहाँ पे, सब मस्ती में खेल रहे। ये है बाबा भोलेनाथ का मंदिर, केदारनाथ महादेव बाबा खड़े साक्षात यहाँ पे। कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉल चल रहा है यहाँ पे, बिकॉज वाईफाई है और अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे आने के बाद वाईफाई मिल रहा है।
तो बाबा केदारनाथ का बैक साइड का नज़ारा। और ये है वो भीमशिला, जब बाढ़ आई थी ये इतनी बड़ी चट्टान जो है बड़ा पत्थर वहाँ बाढ़ में धस के आया, मंदिर के एकदम बीच में आके रुका। और जो भी ऊपर से बारिश का पानी आ रहा था इस तरफ से और इस तरफ से बहुत ज़ोर से पानी आ रहा था, सारा पानी मंदिर को होके जा रहा था। तो ये पत्थर आया मंदिर के बीच में रुक गया, नाम है इसका भीमशिला। और ये पत्थर की वजह से पानी जो था मंदिर का थोड़ा इस तरफ गया, थोड़ा उस तरफ गया और मंदिर पूरा बच गया। पत्थर काफ़ी बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ, हिलाना बहुत मुश्किल है। तो ये पत्थर को देख कर आपको समझ में आएगा कि बारिश का पानी कितना तेज़ आ रहेगा। और से पानी का एक साथ में फोर्स आया था, इसकी वजह से सारा ये पानी पूरा यहाँ से गया, यहाँ से होकर जितने भी गांव थे, जितने भी घर थे, सबको यहाँ से पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये जितना भी अभी दिख रहा है सारा, ये अभी नया बना हुआ, अब एक भी घर नहीं बचे थे, बहुत नुकसानी हुई थी, बहुत लोग मरे भी थे यहाँ पे। ये है वो भीमशिला, काफ़ी बड़ा पत्थर है। उस तरह से रुका हुआ यहाँ पे आगे पत्थर, पहले नहीं था ये। काफ़ी शांत जगह है, अच्छा वातावरण है और मंदिर के आसपास ऐसा बना हुआ बैठने के लिए, अगर आप आ रहे हो आपकी थकान मिट जाएगी, आराम से बैठ सकते हो। ऐसी जगह पे आने के बाद आपके दिमाग में बहुत कुछ चलेगा। फिलहाल मुझे बहुत लोगों की याद आ रही है, मुझे घर की याद आ रही है, फैमिली की, बच्चे घर में जितने उनकी याद आ रही है, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी याद आ रही है, यक्स राठौड़, रोनाल्ड जोसेफ और डेलविन है, और मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है आशीष शराब, कमी नहीं तेरे को बहुत याद करा हुआ मैं, तो हर बार ना ऐसा कुछ बहाना मार के बच जाता है, गाड़ी में नहीं जमता ना फिर टाइम नहीं मिल रहा करके, बहुत सही जगह तो आता ऊपर मेरे को बोलता, जैसे तो हमारा यात्रा पे आया था वैसे ही, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सही जगह है, बर्फ़ हर जगह है, एकदम शांति वाला एरिया है, बहुत सुकून है। मैं 10-15 मिनट यहाँ बैठूँगा और चार धाम जितने भी है सारे एक लाइन से बने हुए हैं, और उससे आपको मिलेगा बद्रीनाथ। पहले कहा जाता कि एक पंडित जी जो थे यहाँ पे पूजा करते थे, पूजा होने के बाद यहाँ से पहाड़ों से चल के जाते थे बद्रीनाथ जाते थे, वहाँ जाके पूजा करते थे, कहाँ होते मेरे को नहीं पता, बट तभी के लोग रहेंगे इतने मजबूत चल सकते हैं। अभी हम लोग मंदिर के पास है, मतलब मंदिर के सामने ही है, तो सामने दिख रहा है मंदिर है और यहाँ पे टोकन लगा हुआ है, टोकन का ना यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है राइट हैंड साइड में 160 नंबर दिख रहा है। तो टोकन का यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आपको एक टोकन पे 200 लोग को एंट्री मिलेगा अंदर, आपका जो भी टोकन रहेगा उससे आपको जाके खड़ा होना, तो एक साथ में 200 लोग को एंट्री मिलेगा। तो मेरे जो पहले आए थे टोकन अलग था, मेरा टोकन उससे दूर है, ये दोनों गए वो लोग दर्शन के लिए, यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। धूप नहीं है बट आग नहीं खुल रही, ऐसी हालत है, ठंडी हवा बिल्कुल अभी नहीं है, थोड़ा सा गर्म हो रहा है, मौसम लगी भी है। यहाँ से रिटर्न जाने के लिए गौरी कुंड जाना हुआ है, हाँ गौरी कुंड के लिए यहाँ पे कुछ 1500 रुपये घोड़े बोल रहे हैं जाने के लिए, बहुत सस्ता है, आपको टाइम बचाना था रिटर्न में घोड़े से जा सकते हैं, तो जल्दी आप जाके वही रात तक पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे माहौल ऐसा होता है कि दोपहर के बाद जो होता है वहाँ पे बारिश गिरती है, तो लोग वही देख रहे हैं, और मंदिर जो है 3 से 5 बजे बंद रहता है, इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आके टोकन लेना, यहाँ पे आके मंदिर के पास आराम से सो जाना, यहाँ पे स्टे करने के लिए सब मिल जाएगा, बट ऐसा है कि अगर ज़्यादा यात्री रहेंगे तो आपको फिर मिलना मुश्किल है। मेरी आखिरी खुल गई है, मैं दर्शन होने के बाद बात करता हूँ।
दर्शन हो गए हमारे, हम रिटर्न हो रहे हैं। यहाँ से रिटर्न में जब आते तो घोड़े का रेट है 1500 रुपया, 1350 इनका रहता है और गवर्नमेंट पर्ची रहता है 150 रुपये का, टोटल मिला के 1500 रुपये होता है। गौरी कुंड तक आपको छोड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ बहुत सारी जगह अलग अलग याद करे, दिमाग काम नहीं कर रहा है। मौसम वैसा है पूरा सर, थोड़ा भारी भारी हो रहा है, खाना भी बहुत कम खाया हम लोगों ने पूरे दिन में, रिटर्न हो रहे हम लोग। मेरा घोड़ा ये मेरे साथ है राजेंद्र भाई, हाँ घोड़े वाला नहीं बोलते, हाँ ये मालिक है घोड़े के, और ये आगे जा रहा है संजू, संजू भाई जय बोले, जय बोले। टाइमिंग शॉर्ट की वजह से हम लोग घोड़ा कर रहे हैं, ये तो हमको नीचे उतरने के लिए बहुत मजा आने वाला है। हाँ, इनके साथ ये हमारे भूपेंद्र भाई है, ये भूपेंद्र भाई है जो हमारे घोड़े चालक है। हाँ। ऐसे ही बस रास्ते में मजाक मस्ती होगी, एलसी ट्रैवल करके जाना है, पहुंचेंगे हम लोग एलसी ट्रैवल और वहाँ से फिर हम लोग पार्किंग में गाड़ी रखी हुई अपनी, वहाँ से पहुँचने के बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है, आगे का रूट बाद में डिसाइड करेंगे। घोड़ा जब नीचे जाएगा तो पीछे झुकना है, जब चढ़ेगा तो आगे झुकना है, आगे ध्यान रखना, पूरा ऐसे ही फिसलन जैसे ही पूरा घोड़ा धीरे धीरे लेके जाएगा। बारिश है नहीं आज, पूरा दिन ऐसा था कि बारिश नहीं है, कल जैसे परेशान हुआ, आज नहीं होंगे हम लोग, वो अच्छी बात है कि बारिश नहीं है, इस गर्मी यहाँ के गवर्नमेंट के बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, सबका ध्यान दे रहे हैं। हमारा बैंक ये उठा लेते हैं, थोड़े को दिक्कत नहीं देते, कोई कम नहीं होगा। Oh, my God.